अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो हमने पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करनी है वो एफएससी सेकंड ईयर का जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर है, आईसीएस या जनरल साइंस का जो है। इसमें कंप्यूटर साइंस के पेपर में सात पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैंने इसकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है। सबसे पहले जो है सेक्शन, इसमें क्योंकि थ्री सेक्शन होते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस का आपने स्टार्ट करना है। सेक्शन वन की हेडिंग दी, शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी 605 कट मार्कर से, MS Excel की हेडिंग दी 605 कट मार्कर से। क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन दो टाइप के हैं, MS Excel का भी अलग होता है और सी लैंग्वेज या विजुअल बेसिक में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी सेपरेट है, तो आप इसको अगर बता दें तो बेस्ट है। MS Excel प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन हो जाती है, दूसरा आप जितना उसे अच्छी तरह एग्जामिनर को गाइडलाइन देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो MS Excel यहाँ तक क्वेश्चन नंबर टू तक हमने 605 मार्कर से हेडिंग दी, उसके बाद 604 कट मार्कर से जो है हम सब हेडिंग देंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब डेफिनेशन जो मैं आपको बताती रहती हूँ कैसे आपने अटेम्प्ट करनी है, इन्वर्टेड कॉमास में जहाँ पे हेडिंग दी वहीं से, वहीं जहाँ हेडिंग खत्म होगी वहीं से आप डेफिनेशन स्टार्ट कर दें, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दें। अगर कोई कीवर्ड जो है वो हाईलाइट करने वाला नहीं है तो आप उसी पॉइंट को, डाटा जैसे प्रोसेसिंग की डेफिनेशन लिखना है तो डाटा प्रोसेसिंग को ही सिंपल मार्कर से लिख लें, उसके बाद उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जांपल कोट कर दें। इसके बाद इसमें कंप्यूटर में भी डिफरेंस वाले जो है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें को भी आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप ये जो है साथ साथ लाइनें बिल्कुल मत लगाएं, आप जस्ट इसको शीट को ऐसे और ऐसे ये फोल्ड कर लें और उसके अंदर आप पेपर कंप्लीट करें। प्लस ये जो हेडिंग्स के अंदर अंडरलाइन है, नीचे मैंने अंडरलाइन किया, वो भी आपने एंड पे करना है ताकि ये मसला ना बाद में हो कि आप पेपर करने बैठे और आपका पेपर आधा हो और पेपर टाइम ख़त्म हो जाए और फिर आप लोग ये फिर बाद में मुझे कमेंट करें कि आप हमारा पेपर जो है वो इनकम्प्लीट रह गया, ये है वो है। तो मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बताती रहती हूँ कि किस तरह आपने विद इन टाइम अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ कम्प्लीट करना है। आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। इसको भी डिफरेंस वाले को भी मैंने ऐसे फोल्ड किया और जो है डिफरेंस वगैरह लिख लिया, उसके बाद एंड में जब मैंने हेडिंग्स अंडरलाइन करना है यहाँ से मैंने इसको भी बॉक्स की शेप बना ली, ठीक है। इस तरह करने से ये होगा कि आपको पता होगा इसके अंदर अंदर आपने डिफरेंस लिखनी है, ठीक है, अपोजिट जो है उसके लिखना है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर डिफरेंस खत्म हो गया तो आपने इसका अगला जो डिफरेंस है इसके बिल्कुल नीचे स्टार्ट नहीं करना, आपने उसके सेकंड को बिल्कुल सेकंड के सामने से स्टार्ट करना है, ठीक है। लाइन स्किप करनी पड़े तो कर लें। इसके बाद जो है वो इसमें डायग्राम है अगर आपने बनानी है तो ये देखें सिंपल पेन से ही बनाएं, इतना बोल्ड और हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको उनकी प्रेजेंटेशन आपने अच्छी तरह करनी है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट था, क्वेश्चन था एट्रीब्यूट, डिफाइन एट्रीब्यूट, ठीक है, विद इन विद एन एग्जाम्पल, तो आपने एग्जाम्पल की भी हेडिंग बना देनी है और लेकिन उसको अंडरलाइन करना और प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएं, जो मेन हेडिंग है जस्ट उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें इतना ज़्यादा आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है इंशाल्लाह नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद ये भी सिनोनिम की डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखी लिटल और इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, इसी तरह ज़्यादा इसमें कंप्यूटर साइंस में डेफिनेशन ही होती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल कोड कर दिया करें। इसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो और फोर जो है वो सी लैंग्वेज या फिर विजुअल बेसिक लैंग्वेज में से आपने चूज़ करना आता है। नॉर्मली सी लैंग्वेज ही ज़्यादा कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई जाती है तो मैंने उसी के अटैम्प्ट किए हैं। सी लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर थ्री और जो भी पार्ट आपने अटैम्प्ट करना है उसकी हेडिंग दी, आप देखें डिफरेंस जो है वैसे लिखना, आपने डिफरेंस की हेडिंग नहीं बनानी, डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, उसके बाद फिर सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की आप हेडिंग लिखें, तो इतना जो है वो बोल्ड सारा कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आपने डिफरेंस लिखना है तो आपने जिसके दरमियान लिखना आप उनकी इस तरह जो है वो डिफरेंस या कंपैरिजन लिखने, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड और आपने इसका डिफरेंस लिख दिया, देखें फ्रंट टू फ्रंट बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर लिख दिया, डिफरेंस की हेडिंग नहीं बनानी। जब आप इस तरह लिखते हैं साफ पता लग रहा होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं इनके। अब ये देखें इसका कंपैरिजन इसके टू लाइंस में आ रहा था तो नेक्स्ट मैंने जब उसका लिखा वो थ्री लाइंस में आया, तो मैंने फिर ये नेक्स्ट पर कंपैरिजन लिखने के लिए यहाँ से नहीं स्टार्ट किया क्योंकि ये तो यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट एक लाइन स्किप किया फिर यहाँ पर कंपैरिजन लिखा उसके सामने, ठीक है, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूज़ बताना था मेन फंक्शन का क्या होता है सी में, तो उसकी हेडिंग बता दी यूज़ ऑफ मेन इन सी, ठीक है, एक पैराग्राफ में उसका जो है डिफरेंस बता दिया, कीवर्ड्स जो है उनको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन है तो इसमें जो सिंबल वगैरह यूज़ होते हैं आप उसको भी मार्कर से लिखें,
अब इसमें इसका सेंटेक्स और एग्जांपल बतानी थी, उसकी भी हेडिंग नहीं है लेकिन उसको इतना शो नहीं किया, इतना बोल्ड नहीं किया, इतनी अंडरलाइन नहीं किया। अब कुछ क्वेश्चन जो है सी लैंग्वेज में इस तरह के होते हैं कि आपको एक कोड लिख के दिया होता है, आपने जो उसकी आउटपुट बतानी होती है, और कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि कोड लिखा होता है आपने उसमें से एरर्स जो है वो फाइंड करने होते हैं, सेंटेक्स एरर्स क्या है, तो उसकी हेडिंग आपने क्या बतानी है, जिसमें आपने आउटपुट बतानी है जस्ट आउटपुट की हेडिंग बतानी है और उसका आंसर लिख देना, ठीक है। और जिसमें एरर्स बतानी है उसमें आपने सेंटेक्स एरर की हेडिंग बना दी या सिंपल एरर्स की हेडिंग बना दी और या एरर्स इन कोडिंग, ठीक है, इस तरह हेडिंग लिख दी आपने। और जितने भी आपको एरर फाइंड करने को कहा है आपने उसकी नंबरिंग कर ली और जो एरर है उसको आपने मार्कर से प्रोमिनेंट कर दिया, जैसे हैशटैग साइन जो है वो मिसिंग था तो उसकी उसको हमने प्रोमिनेंट कर दिया, हैशटैग जो सॉरी जो हैश साइन है टैग मुंह से निकल गया, हैश जो है साइन है वो मिसिंग है बिफोर इंक्लूड, ठीक है, और एफ मिसिंग है, ठीक है, जिस तरह भी आपकी जो एरर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया, ये भी सी लैंग्वेज का है, तो हमने स्टार्ट में ही सी लैंग्वेज की हेडिंग दे दी थी, तो उस फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की सब हेडिंग्स बनाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें अब सेंटेक्स बताना है आपने, तो जस्ट सिंपल सेंटेक्स की भी हेडिंग दे सकते हैं या सेंटेक्स ऑफ गेट सी एच, ठीक है, इसका सेंटेक्स आपने बता दिया क्या है। और इसमें भी ज़्यादा जो है कस्टमर 4 में आउटपुट और एरर्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने फाइंड आउट करने होते हैं, या आपने कोई सेंटेक्स लिखना होता है तो आप मेन हेडिंग्स ही बनेगी सेंटेक्स की या आउटपुट की या फिर इसमें जो एरर्स हैं उसकी, देखें एरर्स आपने ऐसे बतानी है। उसके बाद किसी का सेंटेक्स बताना है फेल्स के, देखें इफ़ कंडीशन का सेंटेक्स कैसे बताया आपने, इफ़ लिखा इन मार्कर से आपने ब्रैकेट से बनाई, उसके अंदर आपने कंडीशन लिखी स्टेटमेंट, और इसमें जो सेमी कॉलन से हैं वो आपने प्रोमिनेंट करने हैं कि ये लगाना ज़रूरी है, आप इसे मार्कर से बताएं, देखें इस तरीके से आप जो है सेंटेक्स लिखें। इसके बाद वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप ये हेडिंग बनाई और इसकी वर्किंग जो है एक पैराग्राफ में बता दी, अगर फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो साथ ही देखें फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, या अगर डिटेल में देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी है ये। अब सेक्शन नंबर 2 आ जाता है एम एस एक्सेस का लॉन्ग क्वेश्चन, 2 में से एक चूज़ करना है आपने, एम एस एक्सेस जो है उसकी हेडिंग मैंने बना ली, आप नहीं लिखना चाहते हेडिंग एम एस एक्सेस की तो ना लिखें, सेक्शन 2 की हेडिंग दे दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5-6 जो भी आपने सेलेक्ट किया वो उसकी नंबरिंग दे दी और आपने अब उसकी हेडिंग दे दी रिलेशनशिप्स, ठीक है, यानी आपने ये रिलेशनशिप्स वाला टॉपिक चूज़ कर लिया। अब उसकी मेन हेडिंग थी डिफाइन रिलेशनशिप्स एंड विद एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, तो रिलेशनशिप्स की जो है वो हेडिंग्स बनाई, उसकी डेफिनेशंस लिखी, ठीक है, सो इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन कर ली, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको जितना आप लेंथी और एक्सप्लेनेशन लेके जाए उतना ही बेस्ट है, ठीक है। उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वो बता दी, इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ही इसका था डिटेल में क्वेश्चन रिलेशनशिप्स और उसकी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की भी हेडिंग तक आप ज़्यादा बोल्ड करें तो बेस्ट है, क्योंकि जो जिसकी जिसके बारे में पूछा हो आपने उसकी हेडिंग जो है उसकी हेडिंग्स लास्ट में प्रोमिनेंट करनी है। एग्जाम्पल्स की हेडिंग बना दी, उसके बाद एग्जाम्पल्स में जो ये डायग्राम्स वगैरह यूज़ होती हैं एक्सप्लेन करने के लिए आपने देखो उसको इतना मार्कर से भी नहीं करना और इतना बिल्कुल पेन से भी नहीं लिखना कि नज़र ना आए, ये देखें नॉर्मल वे में कि क्लियर भी हो, ठीक है। उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया बुलेट्स में किया और आप नंबरिंग के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उसके देखें कैसे बताए हैं बुलेट के शो में, बुलेट्स मैंने लगाए हैं और साथ इसमें थोड़ा सा देखें गैप दिया है, 1, 2, 3 के साथ भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया है, आपको मसला नहीं, आप यहीं से भी सेक्शन 3 स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि न्यू सेक्शन न्यू पेज से स्टार्ट करें, आप अपनी राइटिंग के मुताबिक देखते हैं शीट्स आपके पास इतनी बच जाएगी कि आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं तो आप स्किप कर लें, लेकिन इसके छोड़ने से पहले इसे क्रॉस जरूर करें, सिर्फ न्यू सेक्शन की सूरत में, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इस तरह आपको पेज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये न्यू सेक्शन था और मुझे पता था इतनी हेडिंग्स बननी है तो मैं ये सारी हेडिंग्स इधर नहीं लिख के ज़ाया करना चाह रही थी पेज, तो मैंने इसलिए सब फ्रंट पेज से स्टार्ट किया, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो है सी लैंग्वेज का, इसमें आप सी लैंग्वेज होता है या विजुअल बेसिक होता है कोई एक चूज़ करना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया एग्जामिनर को कि मैं सी लैंग्वेज जो है वो मैंने चूज़ किया है। इसका आप 2-3 में से जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट किया, कोशिश करें कोडिंग वाला क्वेश्चन चूज़ करें ताकि आपका टाइम कम लगे और एक्सप्लेनेशन वाला एक ही क्वेश्चन आपको मिले।
क्वेश्चन नंबर 9 कोडिंग का ये होगा, अगर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है प्रोग्राम आपको पूरे एग्जैक्ट मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें एक्सप्लेनेशन में ये होता है जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एग्जामिनर के पास चॉइस होती है, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हो सकता है वो 8 में से 7.5 दे, 7 दे, इस तरह, ठीक है। तो कोडिंग वाला चूज़ किया करें अगर आपको एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग करनी आती है। अच्छा जी, इसमें था, अब ये देखें क्वेश्चंस की, क्वेश्चन इस तरह था, डिफाइन लूप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई लूप एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। यानी इसमें क्वेश्चन में दो टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं आपने, तो इन दोनों टॉपिक्स की आपने हेडिंग अच्छी तरह बनानी है, खाली लूप्स की बना के नहीं बैठ जाएं, व्हाइल लूप को इतना ना बोल्ड करें। तो जिसके बारे में पूछा उसको दोनों को प्रोमिनेंट करें। अब लूप्स की हेडिंग बनाई, मेन हेडिंग लूप्स की, क्योंकि डिफाइन इसकी डेफिनेशन के नंबर है, फिर डेफिनेशन की इसके पर्पजेज बताए, ठीक है। अब इसमें जो हाईलाइट करने वाले की वर्ड्स है उसको मार्कर से, सिंपल मार्कर से, और पर्पजेज जो है वो दो पर्पजेज हैं। आप देखें इसको कैसे लिखा है, थोड़ा सा स्पेस थी, बुलेट बनाया गया आपने, बुलेट आपके लिए मुश्किल है, नंबरिंग देने सिंपल 1, 2 और इसकी एक्सप्लेनेशन की, इसके बाद 2, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दी। अब टाइप्स, यहाँ टाइप्स में सिंपल उसकी टाइप्स लिखती हैं और 1, 2, 3 के साथ, ठीक है। अब इसमें व्हाइल लूप जो है उसको डिटेल में डिस्कस करना था, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 2018 में आया था। अब व्हाइल लूप जो है, अब क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, इसके भी मार्क्स हैं, तो इसकी भी आपने अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हेडिंग बनाई और स्टार्ट कर दिया। व्हाइल लूप की मेन हेडिंग बना दी सेंटर में, उसके बाद व्हाइल लूप जो है उसको एक्सप्लेनेशन की है उसकी, उसका सिंटैक्स उसकी मेन हेडिंग बनाई, ठीक है। सिंटैक्स इसका क्या होता है, आप सिंटैक्स देखें कैसे लिखा है, मार्कर से व्हाइल, ब्रैकेट्स जो है मार्कर से, उसके बाद कंडीशन और स्टेटमेंट इंक पेन से, और सेमी कॉलन जो है वो मार्कर से एंड कर दिया। उसके बाद कंडीशन, यानी अभी ये सिंटैक्स के आगे ये सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होती है और स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी ये सिंटैक्स में इसकी सब हेडिंग्स है, तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे के आगे करके लिखे। आप चाहें तो उसको अंडरलाइन ना करें, जिससे पता लगे कि ये सिंटैक्स की सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। सिंटैक्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद ये, इसके भी आप हेडिंग बना सकते हैं, फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो जाए तो फिर क्या सिंटैक्स होगा, आप उसकी भी हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है, या सिंटैक्स में ही इसको लेके चल सकते हैं। अभी देखें इसमें कैसे सिंटैक्स लिखा है, ब्रैकेट्स जो है वो मैंने एंडिंग और क्लोजिंग जो है वो स्टार्टिंग क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स हैं मार्कर से लिखी, और स्टेटमेंट्स जो है वो मैंने पेन से, और सेमी कॉलन जो है वो मार्कर से। इसके बाद वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप उसकी हेडिंग बना दी, और इसको वर्किंग जो है वो, अब ये देखें मैंने एक ही फॉर्म में लिखते गए, आपने ऐसे नहीं लिखना, आप अब देखें ये 10 लाइन्स हैं, आप इसके दो पैसेजेस बना लें, एक इतना पैसेज फिर अगला पैसेज, इस तरह वर्किंग इसकी बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें फ्लो चार्ट जो है वो आएगा, क्योंकि कंप्लीट व्हाइल लूप डिस्कस किया है, तो उसका व्हाइल लूप में उसकी डेफिनेशन आ गई, उसका सिंटैक्स आ गया, उसकी वर्किंग आ गई, फिर वर्किंग को फ्लो चार्ट से शो करना है, उसके बाद आप एग्जांपल भी कोट कर दे तो बेस्ट है, फिर इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपके पक्के हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे मैंने इसका कैसे बनाया, फ्लो चार्ट मार्कर से इसके सारी बाउंड्री वो बना ली हैं और एरोज वगैरह, और उसके बाद अंदर जो है मैंने इंक पेन से लिख दिया, और बाहर जो ट्रू फॉल्स जो मार्कर से लिख दिया, ठीक है। यानी कि आप मिक्स करके चले मार्कर को और इंक पेन को, सारा ना पेन से बनाया ना सारा मार्कर से बनाया, फिर फिगर मार्कर से लिखा और फिगर बता दी क्या है, फ्लो चार्ट है व्हाइल लूप का। उसके बाद एग्जाम्पल में एक छोटा सा प्रोग्राम है उसकी कोडिंग कर दी और बता दिया कि व्हाइल लूप जो है वो इस तरह वर्क करता है, और साथ इसके बॉक्स में आउटपुट बता दी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। अगर आपको अच्छी कोडिंग आती है तो ही आप इस तरह की एग्जाम्पल कोड करें, वरना ना करें, या ना हो इसमें कोई मिस्टेक निकल आए तो आपके मार्क्स वैसे कट जाए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सी प्रोग्राम, आपने प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग करनी होती है विजुअल बेसिक में से। अब क्योंकि सी लैंग्वेज लेके चल रहे हैं तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम अटैम्प्ट करना पड़ेगा, अगर विजुअल बेसिक कर रहे हैं तो विजुअल बेसिक में से। अब ये देखें इसको कैसे कोड करना है, सी प्रोग्राम की हेडिंग दें, इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम कोडिंग की हेडिंग दें, इसके बाद यहाँ पे इंक्लूड एसटीडीआई। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपकी ज्वाइनिंग है या आप जिस तरह भी लिखते हैं, आप कोशिश करें जब प्रोग्राम कोडिंग करें तो आप जो है हर वर्ड जो है वो सेपरेट लिखें, क्योंकि आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज बतानी होती है कि कंप्यूटर में कोडिंग कैसे करनी है, तो आप इसको ज्वाइन में कोशिश करें ना लिखें, इस तरह सेपरेट सेपरेट वर्ड लिखें ताकि हर वर्ड हर जो है वो लेटर क्लियर हो। अब इसमें देखें इस तरह आपने के स्टार्टिंग जो है वो जो 3 लाइंस यूज़ करते हैं वो एड मेन इंक्लूड इंक्लूड की, तो आप वो मार्कर से लिखें, और एंडिंग और क्लोज स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स हैं वो आप मार्कर से लिखें। उसके अंदर का जो बॉडी है कोडिंग की वो आप देखें मैंने कैसे लिखे हैं, जो मैंने सेमी कॉलन्स हैं वो सारे मार्कर से प्रोमिनेंट किए हैं कि ये मैंने लगाए हुए हैं, और साथ
ये जो फंक्शन बीच में यूज़ होते हैं क्लियर स्क्रीन के, गेट सी एच के, इफ़ कंडीशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं, वो आप मार्कर से यूज़ करें, देखें जैसा आप, अगर आप चाहते हैं सारा आप पेन से लिखें तो कोई मसला नहीं, इंक पेन से लिख लें, बस ये वाली पहली तीन जो लाइंस हैं और एंडिंग और स्टार्टिंग जो ब्रैकेट्स हैं वो आप जो है मार्कर से लिख लें तो बेस्ट है, ठीक है। और ये देखें, और जो इसके अंदर भी जो सब ब्रैकेट्स यूज़ होंगी आप उसको भी मार्कर से लिखें, ताकि आपको पता लग रहा हो एग्जामिनर को कहाँ से इसकी ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। विजुअल बेसिक प्रोग्राम में से अगर आप वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी कोडिंग देखें कैसे करनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है मार्कर से कर लें, बाकी जो है आप बॉडी जो है वो आप, और इफ़ कंडीशन वगैरह जो है आप उससे मार्कर से कर लें, बाकी बॉडी आप इंक पेन से कर लें, ठीक है। और गाइस एक मैसेज था, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो मैंने न्यू चैनल का लिंक दिए हैं आप उस पर भी जाके विजिट करें, और जो सिग्नेचर्स और कैलीग्राफी वाले हैं उनके लिए मैंने सेपरेट चैनल बना लिया है, जिनको अपने नाम के सिग्नेचर चाहिए आईडी कार्ड के लिए, एग्जाम्स में साइन करने के लिए या और भी किसी पर्पज़ के लिए, तो वो ज़रूर उसको विजिट करें और वहाँ पर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके सबके जो 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 कमेंट और रिक्वेस्ट करेंगे उनका नाम जो है मैं उनके सिग्नेचर और कैलीग्राफी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।